बड़े मियाँ छोटे मियाँ इस साल की मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी फाइनली सिनेमा घरों में रिलीज हो चुकी है। कैसी है ये मूवी जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों पहले ही बता देता हूँ कि इस वीडियो में मैं आपको पूरी स्टोरी नहीं बताने वाला हूँ मूवी की, बस आपको मेन मेन पॉइंट बताऊंगा और बाकी मूवी कैसी है या आप रिव्यू देखने के बाद खुद डिसाइड कर लेना। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम कैरेक्टर की बात कर लेते हैं। तो मेन कैरेक्टर है हमारे अक्षय कुमार सर और टाइगर श्रॉफ जो कि सोल्जर है। साथ में आपको सोनाक्षी सिन्हा देखने को मिलेगी, मानुषी चिल्लर और अलाया, ये भी सब इसी टीम के मेंबर होते हैं, मतलब ये भी सोल्जर ही होते हैं। और विलन में आपको पृथ्वीराज सुकुमारन देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर दूं मैं तो मूवी की यूएसपी तो एक्शन है। पूरी मूवी में आपको इतना एक्शन देखने को मिलेगा जितना आपने आज तक इंडियन सिनेमा की कोई भी फिल्म में इस टाइप का एक्शन नहीं देखा होगा। और ये रियल एक्शन है और इन्होंने सब कुछ स्टंट भी रियल किए हैं, ये सबसे मेन बात है। और इसमें जितने भी वेपन्स और जो टैंक्स वगैरह यूज किए गए वो भी रियल है, तो फिल्म में बनाने में बहुत मेहनत की गई है, वो साफ नजर आती है। बात करेगा हम स्टोरी की, तो हाँ दोस्तों स्टोरी है स्टोरी इसमें, लेकिन वो आपको इमोशनल कनेक्ट करे ऐसे मोमेंट्स नहीं डाले हैं। वो स्टोरी आपको इमोशनली कनेक्ट कर लेगी इस टाइप से वो स्टोरी नहीं है। जैसे आपने KGF और बाकी जो मूवीज की स्टोरी देखी है कि उसमें इमोशन बहुत बताते उसके बाद एक्शन बताते हैं, लेकिन इस मूवी में आपको एक्शन ही एक्शन बताएंगे, इमोशनल कनेक्शन थोड़ा सा कम नजर आएगा, इसलिए इस मूवी को मिक्स रिव्यू मिल रहा है। बाकी मूवी एक्शन के मामले में बहुत ही जबरदस्त मूवी है, कोई टक्कर नहीं ले सकता एक्शन के मामले में। तो दोस्तों यह था स्टोरी का थोड़ा सा हल्का सा वीक पॉइंट, बाकी अगर जो एक्शन देखना पसंद करते हैं तो उनको स्टोरी में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। बात करें हम टाइगर श्रॉफ और अक्षय कुमार की जुगलबंदी, मतलब ये दोनों का जो ब्रोमेंस देखने को मिलता है बहुत ही अच्छा लगा। टाइगर श्रॉफ को लोग बोल रहे हैं कि अच्छी एक्टिंग नहीं करी, डायलॉग ने बहुत अच्छी एक्टिंग करी टाइगर श्रॉफ ने भी, उसके जो डायलॉग मारता है वो भी अच्छा लगता, थोड़ा छपरी वाले डायलॉग मारता है लेकिन फिर भी वो सुनने में बहुत मजा आता है। जैसे आप उसके डायलॉग देख सकते हो कि हमारा एटीट्यूड वाला डायलॉग, वो बोलता मैं आधे घंटे से इसको पेल रहा हूँ अभी तक मर भी नहीं रहा, ऐसे बहुत से मूवमेंट्स आते हैं। और अक्षय कुमार ने राजू वाला एक पोज भी दिया है मूवी के अंदर हेरा फेरी वाला, वो भी आप देख सकते हो ईगो की बात होती है। और एक दूसरे को थोड़ा सा टॉन्ट मारते रहते हैं, मस्ती करते हुए भी सपोर्ट करते एक दूसरे को, ये देखने को बहुत मजा आएगा। इन दोनों की जुगलबंदी बहुत अच्छी लगी, अमिताभ और गोविंदा जैसी नहीं है लेकिन उनसे कम भी नहीं है। और बाकी मानुषी का काम भी अच्छा है इसमें, बहुत ही अच्छी लग रही है, स्मार्ट लग रही है, एक्शन भी कर रही है। अलाया ने भी अपनी जगह अच्छा काम किया, बस देखने का नजरिया होना चाहिए, कुछ लोगों को पसंद नहीं आया मैं वही कह रहा हूँ, ध्यान से देखो अच्छा लगेगा। सोनाक्षी ने भी अच्छा काम किया, उसकी जगह रोनित रॉय बहुत अच्छा काम किया है, वो इनके हेड बने थे इस मूवी के अंदर। और पृथ्वीराज सुकुमारन ने तो बहुत ही जबरदस्त काम किया, वो विलन के रोल में जिस तरीके से वॉक कर रहा था, अंदर घुस रहा था, एक्शन का उसकी चलने की स्टाइल, वो एटीट्यूड, वो भी बहुत ही जबरदस्त था। तो सबके काम अच्छे हैं, मूवी का एक्शन बहुत अच्छा है। मैं बस बोल रहा हूँ कि स्टोरी थोड़ी सी इमोशनल खींच के ने फिर एक्शन दिखाते ना वो तो और भी मजा आ जाता, बस थोड़ा सा उनमें से नेगेटिविटी लग रही, बाकी तो फिल्म में कोई भी गड़बड़ नहीं, बहुत ही अच्छे गाने भी सुनने में मजा आता है, जब टाइटल ट्रैक आता तब भी मजा आ जाता है हमको स्क्रीन पे। तो ओवरऑल फिल्म अच्छी है, बहुत ही अच्छी है, मैंने बोला है जिसको एक्शन पसंद है और जो नई जनरेशन के लोग हैं आप जाके देखो, कूल बनने के चक्कर में मत बनो कि हम OTT देखते हैं, वेब सीरीज कंटेंट मूवी देखते हैं वो देखते हैं, या किसी को भी किसी की मूवी को बुरा बोलने में कूल लगता है उनको आजकल, क्योंकि आजकल किसी की बुराई करना नेगेटिविटी करना फैशन बन गया है, कूल बन गया है, वो लोग अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हैं। अरे वो देखो उनके शक्ल के ठिकाने नहीं, वो लोग मूवी की एक्टिंग की वो बातें करते हैं, मूवी खराब है ऐसा सा बोलते हैं, पहले वो खुद को देखे खुद को क्या आता है, मतलब मैं बोलना चाहता हूँ कि इतने बड़े बड़े वचन देने से पहले देख लो कि आपको खुद को क्या आता है, इतने बड़े इतने साल से काम कर रहे हैं उन पे उंगली उठाने से, फिल्म बनाने में कितने लोगों की मेहनत लगती है, आप 2 मिनट में फिल्म को गिरा देते हो कितने लोगों का पैसा बर्बाद होता है। अब थोड़ा इस नजर से अपन तो 100-150 रुपए की टिकट देते हैं लेकिन उनके तो करोड़ों रुपए भी लगे हुए रहते हैं, तो वो भी थोड़ा समझना चाहिए, बोलना चाहिए लेकिन एक लिमिट में बोलना चाहिए। खैर कोई बात नहीं, लेकिन मैं बताना चाहूंगा पर्सनली मुझे अच्छी मूवी इसलिए लगी क्योंकि मैंने इसको एक अलग नजरिए से देखा था। बाकी ऑडियंस पुरानी मूवी देख के आते हैं कि हाँ KGF मूवी देखिए तो वैसी होनी चाहिए, सलार मूवी देखिए वैसी होनी चाहिए, या पठान जवान देख लिए तो वैसी होनी चाहिए, अरे हर मूवी एक जैसी बना देंगे तो क्या मतलब, फिर थोड़ा यूनिक भी ट्राई करो। तो मैंने इसको अलग नजरिए से देखा तो मुझे अच्छी लगी ये मूवी, अगर मैं भी उसी के साथ कनेक्ट करके देखता शायद मुझे भी पसंद नहीं आती। तो दोस्तों यही है रिव्यू, अगर आपको एक्शन मूवी पसंद है तो आप बेधड़क जाइए, आपको फुल एक्शन देखने को मिलेगा, और आप एक स्लो स्टोरी इमोशनल कनेक्शन वाली उसके बाद एक्शन आता है वैसी मूवी देखना चाहते हो तो आप मत जाइए, फिर सिंपल सी बात है, तो आपके ऊपर डिपेंड है। मेरी तरफ से मैं मूवी को देना चाहूंगा 3.5 स्टार में से, बहुत ही मतलब अच्छी मूवी है, लेकिन बस वो स्टोरी की वजह से मैंने 1.5 स्टार थोड़े से काटे हैं क्योंकि उसको थोड़ा सा इमोशनल कनेक्शन डालते कि जैसे टाइगर श्रॉफ कोई फंस जाते बहुत ही बड़ी मुसीबत में, थोड़ा उनको दर्द तकलीफ होती है और फिर अक्षय कुमार बचा जाते ऐसे कुछ पॉइंट डालते, या अलाया को एक बार गन वन पकड़ा देते थोड़ी बहुत एक्शन वो भी कर लेती उस वजह से, बाकी तो मूवी बहुत ही अच्छी लग रही। तो यह था रिव्यू, अगर आप अक्षय कुमार के फैन हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, टाइगर श्रॉफ के फैन हैं तो भी लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आया है तो इसे शेयर भी कीजिए। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आपका दोस्त अभिषेक, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।